हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 स्टोरी नंबर 4, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू नरेट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर टू क्वेश्चंस एट द टॉप ऑफ द पेज. हु इज स्पीकिंग टू हॉरिस डेनबी. क्वेश्चन इसमें है कि हॉरिस डेनबी से कौन बात कर रहा है. हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, और इस स्टोरी में वास्तविक या सही आरोपी, सही कल्प्रिट्स कौन है. ठीक है, इसका जवाब इस पार्ट को पढ़ने के बाद मिलेगा. ओके, इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट. ए वॉमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड सैरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर. ठीक है, बोलता है इट वॉज क्वाइट ए काइंडली वॉइस. ये बहुत ही एक दयापूर्ण, एक दया से भरा हुआ, एक करुणा से भरा हुआ आवाज था. मतलब एक मधुर, एक अच्छा सॉफ्ट वॉइस था. बट वन विथ फर्मनेस इन इट, लेकिन उसमें एक फर्मनेस था, एक विश्वास था. ए वोमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, गेट के पास एक लड़की खड़ी है, एक लेडी खड़ी है. एंड सैरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हेयर, और जो कुत्ता है वो क्या कर रहा है, उससे रगड़ रहा है. मतलब उसके पैर से या उससे, सोचो, चिपका हुआ एक तरह से. सी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी, वो बहुत ही यंग है और प्रिटी है, खूबसूरत है. एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और वह कैसे ड्रेस में है, रेड ड्रेस में है वो लेडी. सी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्टड इन द ऑर्नामेंट्स देयर्स, वो सीधे जहाँ फायर प्लेस था, जहाँ पे आग जलाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे गई और अपने आभूषण, रत्नों को, ऑर्नामेंट्स को क्या करने लगी, ठीक ठाक करने लगी. ठीक है, मतलब होता है ना, एक हाव भाव देने लगी. डाउन सैरी सी सेड, वो बोली बैठो सैरी, वो जो कुत्ता था उसको बोलती है बैठो. एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फ्रॉम ए मंथ, हर कोई सोच रहा था कि मैं एक महीने के लिए यहाँ से चली गई हूँ, यहाँ एक महीने के लिए यहाँ पे हूँ नहीं. सी स्माइल्ड एट द हॉरिस एंड वेंट ऑन, वो हॉरिस को देख के मुस्कुराई और अपने बात को जारी रखी. हाउएवर आई कम बैक जस्ट इन टाइम थ्रू आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर. ठीक है, बोलती है कि फिर भी जो भी हो, मैं शायद सही समय पर आई हूँ. ठीक है, मैं वापस जो आई हूँ, एक महीने से यहाँ थी नहीं और वापस आई तो बिल्कुल सही समय पर आई. आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर, मैं एक चोर से मिलूंगी ऐसा मुझे उम्मीद नहीं था. हॉरिस हैड सम होप बिकॉज ही सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम. ठीक है, हॉरिस को भी थोड़ा उम्मीद जागा, क्योंकि वो उससे एक मीटिंग जब हुआ उस दोनों का, तो अम्यूज्ड हो गया, एक दूसरे के प्रति मोहक बोल सकता है, एक दूसरे, मतलब लगा कि ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, ज़्यादा हमारे लिए, मेरे लिए खतरा नहीं बनेगी, ऐसा उसे लग रहा था हॉरिस को. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, अगर उसे सही तरीके से ट्रीट किया जाए, उस लेडी को सही तरीके से उससे बातचीत किया जाए, सही तरह से हाव भाव दिखाया जाए, तो वो शायद उसके लिए खतरा बनेगी भी नहीं, ऐसा मानना था हॉरिस का. ही रिप्लाइड आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, वो बोला कि मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं किसी परिवार के सदस्य से, किसी आदमी से मिलूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त किया हुआ था. सी नॉडेड, आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, बोलते वो भी सर हिलाई कि मुझे, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें मुझसे मिलकर, या तुम ऐसा उम्मीद जो किया था कि मैं किसी से नहीं मिलूँगा, यहाँ पे कोई नहीं होगा, लेकिन जब मुझे तुम देखा तो तुम्हें बड़ा ही असुविधा हो रहा है, तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, इनकन्वीनियंस हो रहा है. वाट आर यू गोइंग टू डू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो. हॉरिस सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, तो बोला कि मेरा पहला तो मन में आ रहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मेरा क्या करने का मन कर रहा है, यहाँ से भाग जाने का. ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, बोला तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी और उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँगी, भागो यहाँ से, आराम से भाग सकते हो. दे हैड गेट यू एट वंस, और वह तुम्हें तुरंत ही पकड़ लेंगे, अब भागना है भागिए. हॉरिस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन ही हेजिटेट ए स्माइल ऑन हिज फेस. ठीक है, तो बोला हाँ, मैंने पहले ही टेलीफोन के वायर्स को काट दिया है, कर लो फोन. ठीक है, और फिर वो थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए मुस्कुराया. आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम्स, और मैं जानता हूँ कि कुछ देर के लिए तुम कुछ भी कर सकती नहीं है, क्योंकि ना टेलीफोन काम कर रहा है, ना यहाँ कोई है. ठीक है, ए फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, और वो वही कुछ समय, कुछ ही घंटे मेरे लिए बहुत काफ़ी हो जाएगा. सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, अब वो उसे बहुत ही सीरियसली देखी, कौन, वो लेडी. यू हैड हर्ट मी, तुमने मुझे
चोट पहुंचाया, हर्ट किया। हॉरिस पॉज्ड एंड देन से आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, बोला, थोड़ी देर रुका और फिर बोला कि मुझे लगता मैं तुम्हें सिर्फ डरा रहा था, ठीक है, मैंने ऐसा कहा कि तुम्हें सिर्फ क्या किया, डराया। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुमने मुझे डराया नहीं, वो लेडी बोली। हॉरिस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। हॉरिस बोलता है, देखो तुम्हारे लिए एक मेरे पास सजेशन है जो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, कि तुम मुझे कभी मिली भी हो, मेरा तुम्हारा कभी सामना हुआ है, ये तुम भूल जाओ और मुझे यहाँ से जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वॉइस वुड आई, फिर वॉइस थोड़ा शार्प हो गया, बोला मुझे क्यों ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा क्यों करूँ। यू वे आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने जा रहे हो। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दी तो तुम किसी ना किसी को तो लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैन लाइक यू, समाज तुम्हारे जैसे आदमियों से, समाज को तुम्हारे जैसे आदमियों से बचाना चाहिए। तुम्हारे जैसे आदमी की ज़रूरत समाज को नहीं है, सोसाइटी को नहीं है तुम्हारे जैसे इंसानों की ज़रूरत। हॉरिस स्माइल्ड, आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी। वो मुस्कुराया और बोला कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो समाज के लिए खतरा है, मैं सिर्फ उन्हें ही लूटता हूँ जो अमीर हैं, जो रईस हैं, जो रिच हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है। आई स्टिल फॉर ए वेरी गुड रीज़न, ठीक है, और वो चुराते भी क्यों हैं, तो एक बहुत अच्छे काम के लिए, शौक पूरा करने के लिए नहीं, या अय्याशी करने के लिए, मौज मस्ती के लिए नहीं। एंड आई हेट द थॉट ऑफ पर्स प्रिजन्स, ठीक है, और मुझे जेल के बारे में सोचना भी अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे जेल अच्छा नहीं लगता, जेल के बारे में सोचना तक अच्छा नहीं लगता। सी लाफ्ड एंड ही बेग्ड थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर, लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनी थिंग बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, रियली मीन इट, ठीक है। वो मुस्कुराई और वो जैसे गिड़गिड़ाना नहीं बोलते, वो गिड़गिड़ाते रहा। थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर, और वो सोच रहा था कि वो इसे मना लेगा। लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनी थिंग, देखो मैं तुम्हें कुछ भी बोलूं या तुमसे कुछ इजाज़त मांगूं, तुमसे कुछ मांगूं, इसका कोई राइट मेरे पास नहीं है, बट आई एम डेस्परेट, लेकिन बहुत ज़रूरत है, मैं डेस्परेट हूँ, लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी ये फिर करूँगा नहीं, ये जो चोरी का काम है वो वापस मैं फिर कभी करूँगा नहीं, आई रियली मीन इट, और ये जो मैं कह रहा हूँ उसका सही मैं पालन करूँगा, मतलब मन से बोल रहे हैं। सी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, वो चुपचाप रही और उसे नज़दीक से देखते ही। देन सी आस्क्ड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, क्या तुम्हें सचमुच में जेल जाने से डर लगता है, लगता है ना। सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सन, वो उसके तरफ आई, उसके सर को हिलाते हुए बोली कि मुझे हमेशा ही गंदे तरह के, अलग तरह के, बुरे तरह के लोग अच्छे लगते हैं, ठीक है। सी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, वो एक सिल्वर बॉक्स टेबल से निकाली, उठाई और उससे एक सिगरेट निकाली। हॉरिस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट सी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और हॉरिस उसे खुश करना चाहता था, उसे मनाना चाहता था, तो वो क्या किया, फटाक से अपनी ग्लव्स को उतारा और सिगरेट को जलाया, जो वो लेडी पीने वाली थी, जो लेडी रखी थी। यू विल लेट मी गो ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, और उसके तरफ लाइटर करते हुए बोला कि तुम मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो, ओके, यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, बोले ठीक है मैं तुम्हें जाने दे दूँगी, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा, एक काम करना होगा, बस फिर तुम जा सकते हो आराम से, ठीक है। अब जो इसका लास्ट पार्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ओके, थैंक यू।